हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट, जहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है उत्तपम। उत्तपम साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे उत्तपम बनाने के लिए हमने लिए हैं 5 कप राइस, 1.5 कप उड़द दाल। तो उड़द दाल भी हम ऐसे मेजर कर लेंगे। साथ ही मैं डालूंगी इसमें 1/2 कप पोहा और 1 चम्मच हम डालेंगे मेथी दाना। और इन सबको हम अच्छे से 2-3 बार पानी डाल के वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से वॉश करें। और इस वॉश करने के बाद हम इसे पानी डाल के 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 घंटे के लिए इन्हें भिगो दिया है। और 6 घंटे बाद हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से सोक हो चुके हैं। तो इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे पीसेंगे, वरना हमारा बैटर जो है वो काफ़ी पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बैटर लेके थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको एक अच्छा बारीक बैटर बना लेंगे। तो ये हमारा जो बैटर है वो तैयार है। आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक हमने इसको पीसा है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 8 से 10 घंटे के लिए ढककर फर्मेंट होने देंगे। गर्मियों के मौसम में तो ये 8 से 10 घंटे में आराम से फर्मेंट हो जाता है, बट ठंडी के मौसम में थोड़ा टाइम लेता है। तो आप इसको या तो ओवन में रख दें या ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी इसको गर्माहट मिले, ऐसी जगह पे इसको ढक के रख दें। तो ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा फर्मेंट हुआ है। इसके ऊपर कितने सारे बबल्स हैं, मतलब ये इसकी फर्मेंटेशन अच्छी हो गई है। तो अभी तो क्या है, ये बैटर इडली के लिए बना है, बट अगर हम डोसा या उत्तपम ऐसे कुछ बनाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, लाइक 8 से 10 घंटे और फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो अभी हम इसमें नमक मिला लेंगे और कंसिस्टेंसी देखेंगे हम कैसी है। डोसा मुझे फर्मेंट होने के दूसरे दिन अच्छा लगता है सबको ही, क्योंकि वो उसमें और अच्छा एक क्रिस्पीनेस आ जाता है। काफ़ी अच्छा वो उसमें तो हल्की सी खटास आ जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे हमें घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए हमने इसको पानी डाल के कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर ली है। काफ़ी अच्छी सही लग रही है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, उत्तपम के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च हमने काट ली है और इसमें थोड़ा थोड़ा मैं नमक मिला दूंगी, जिससे कि ये इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए और फीका फीका ना बने हमारा उत्तपम। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी मिला सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसको। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा डोसा हम इस पे इस तरीके से फैला देंगे। तवा जो है पहले गरम कर लें, लेकिन बाद में उसको एकदम लो पे करें, उसके बाद आप फैलाएं। और हम इस पे फैला देंगे प्याज। अगर आप गरम तवे पे फैलाओगे तो आपका बैटर फैलेगा नहीं और वो अच्छे से मतलब स्टिक नहीं होगा उससे तवे से, वो आपके चमचे के साथ ही वापस आएगा। तो यहाँ पे हमने टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने स्प्रिंकल कर दिया है। और इसको हम अच्छे से अलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है हमारे उत्तपम का। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लगा लिया है तेल। तेल लगाने से ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा।
तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, काफी टेस्टी बना है हमारा उत्तपम। तो हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे और तैयार है हमारा उत्तपम। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।